आंगनवाड़ी वैजंती माला पत्नी स्वर्गीय प्रेम सिंह निवासी जनपद बरेली तहसील आंवला विकासखंड आलमपुर जाफराबाद ग्राम पंचायत बेटा लालच की विधानसभा चुनाव में मीरगंज के राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज में ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी के दौरान मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वैजंती माला के चार बच्चे हैं। बड़ी बेटी रूबी भारती 16 साल की है, दूसरी बेटी ललिता भारती 13 साल की है और तीसरी बेटी प्राची भारती 11 वर्ष और चौथा बेटा 9 वर्ष का है। सभी बच्चे नाबालिग हैं। उनके परिवार में माँ बाप दोनों का स्वर्गवास हो गया है। ऐसे में बच्चों के भरण पोषण की बड़ी कठिन परिस्थिति है। गाँव वालों का मानना है कि अगर इनके लिए सरकार बालिग होने तक मदद करे तो बच्चे पढ़ भी सकते हैं और बालिग होने पर एक सरकारी नौकरी दे। अंदर उसके डिग्री कॉलेज ग्राउंड में ही बस ने कुचल दिया। तो बस ने जिस बस ने मतलब कुचला था उस बस के लिए गिरफ्तार किया गया। हाँ, बता रहे डीएम साहब ने कहा था कि बस पकड़ ली गई है, ड्राइवर भी पकड़ लिया गया है और कार्रवाई जारी है। तो अभी तक कोई आपको शासन द्वारा अभी तक कोई मदद मुहैया हुई है या नहीं हुई है? अभी तक शासन द्वारा अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। कितने बच्चे थे इनके? चार बच्चे हैं, चारों साहब नाबालिग हैं और पढ़ाई का खाने के पीने का कोई भी साधन नहीं। शादी विवाह का इनका कितने उम्र है बच्चों की? बच्चों की एक बड़ी लड़की है लगभग 16 साल जी, दूसरी है 13 साल जी, तीसरी है 11 साल जी, चौथा बच्चा लड़का है उसकी उम्र 9 वर्ष है। क्या किस तरह से आपने सोचा उनके बारे में? क्या सोचा था, हम तो बुजुर्ग हैं, क्या कर सकते हैं। नहीं तो आप शासन से क्या मांग करना चाहते? शासन से आप चाहते हैं कि इसको परिवार को एक नौकरी दी जाए साहब, क्योंकि कोई है नहीं कमाने खाने वाला और उनको आर्थिक मदद कम से कम 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाए। इनके जो मतलब इनके साथ जो दुर्घटना हुई वैजंती माला, इनके नाम में कोई प्रॉपर्टी वगैरह क्या क्या? कोई प्रॉपर्टी नहीं है साहब, यही साधन था इनका, जो वेतन उतन मिलता था उसी से गुजारा करती थी। कुछ और भी परिवार के सदस्य हैं, हम उनसे भी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम। सही, कौन थे आप, कौन थी आपकी? ये हमारी भाभी थी सर। अच्छा, हमारी भाभी थी, मेरे पति का स्वर्गवास पहले ही हो चुका है। अच्छा, लगभग 3 साल हो चुके जी। उनके परिवार में जो है अब कमाने बहाने वाला कोई नहीं, सब परेशानी है बेचारे। सरकार से कुछ ना कुछ मदद मिलती है। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार? मांग क्या है इनके लिए साहब, कम से कम बच्चों के लिए कुछ रोज़गार तो मिलना ही चाहिए, कुछ ना तो नौकरी तो मिलना ही चाहिए बच्चों के लिए, जो कि इनका कुछ लालन पालन हो सके। अभी ये नाबालिग हैं, मान लो इनकी शिक्षा दीक्षा भी नहीं हो चुकी है, हो पा रही है पूर्ण रूप से, और इनकी शिक्षा के लिए कुछ भी प्रबंध किया जाए और कम से कम नौकरी तो दी जाए FG में लिए, FG के लिए। अच्छा, जो हमारा शासन से यही अनुरोध है।